हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब? सब बढ़िया। मैं आपका अपना दोस्त नियाज अहमद, जो कि मेरा चैनल है दोस्तों, नियाज अहमद ब्लॉग की दुबई के नाम से। दोस्तों सब लोगों को सबसे पहले मैं दिल से आपके आपके फैमिली को दोस्तों दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ दोस्तों। और दोस्तों ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपने फैमिली के साथ अच्छी तरीके से दिवाली मनाइए और खुशियाँ बटोरिए। तो दोस्तों कल तो मेरा जो वीडियो आया था, डीएचए से रिलेटेड मेरा वीडियो आया था, ठीक। तो दोस्तों आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, डीएचए का एग्ज़ाम आपने देना कैसे है, सिलेबस की बात कंप्लीट हो चुका है, ठीक। आपने डीएचए का एग्ज़ाम दे दिया, अब देने के बाद आपको उसके बाद क्या करना है दोस्तों? दोस्तों डीएचए का बाद आपको डीएचए जो है आपका, उसको कन्वर्ट करना है एमओएच में, ठीक। और ये कब एमओएच में कन्वर्ट करना है? विद इन 2 और 3 मंथ के अंदर ही करना है दोस्तों। अगर आप 6 मंथ के अंदर कर रहे हैं डीएचए को एमओएच में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपको फिर एग्ज़ाम देना पड़ेगा। 6 मंथ के बाद दोस्तों कन्वर्ट नहीं होता है इजीली, फिर आपको एमओएच का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, क्योंकि जो रूल्स हैं हम दुबई है ना, जो गल्फ कंट्री के जो रूल्स हैं वो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारा तो इंडिया दोस्तों है नहीं है। तो दोस्तों आप एक काम करेंगे, डीएचए को एमओएच में कन्वर्ट कर देंगे। आई थिंक 21-22,000 फीस जाती है एमओएच में कन्वर्ट करने का। आप आराम से कन्वर्ट कर देंगे। डीएचए प्लस एमओएच होने के बाद आपके पास जो अपॉर्चुनिटी है, पहला तो दुबई हो गया आपका डीएचए, और एमओएच में जो है जितने भी और जो 5 एमिरेट्स हैं है ना यूएई का, एक तो आपका एमिरेट्स, ये भी दुबई भी है, बट दुबई में क्या चलता है? डीएचए चलता है। और 5 जो एमिरेट हैं, रसल खेमा, शारजहाँ, ये अजमान, ये जो सारे हैं, अबू धाबी, अबू धाबी में दोस्तों डीओएच का चलता है। तो ये सारे जो एमिरेट्स हैं, यहाँ आप क्या चलेगा? एमओएच चलेगा। तो दोस्तों इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ एमओएच में कन्वर्ट करने के लिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जब मैं जो यहाँ पे आया जॉब खोजने के लिए, तो डीएचए में मैं जहाँ भी अप्लाई करता था, कहीं भी डोर टू डोर फार्मेसी घूमता था, ठीक है दोस्तों। तो जहाँ पे मैं ज़्यादा था डीएचए में, वहाँ पे वैकेंसी बिल्कुल भी नहीं था। अगर था भी तो उसमें सेचुरेशन ज़्यादा था, क्योंकि जितने भी फार्मेसिस्ट लोग हैं सब चाहते हैं कि मैं डीएचए में जॉब करूँ। कोई नहीं चाहता कि मैं अजमान में, रसल खेमा में, शारजहाँ में काम करूँ, कोई नहीं चाहता। सब चाहता है कि मैं डीएचए में काम करूं, ओके। तो इसलिए दोस्तों जो डीएचए का जो वैकेंसीज हैं, थोड़ा अभी सेचुरेशन है एज कम्पेयर टू एमओएच। तो इसीलिए बेटर ये है आपके लिए कि आप क्या करें, डीएचए को एमओएच में कन्वर्ट कर लें। कन्वर्ट करने के बाद आप वीजा, विजिट वीजा 60 डेज का होता है, वो आप करवा करके आ जाए। आने के बाद, यहाँ आने के बाद आप दोस्तों जॉब सर्च करें। सबसे पहले जॉब सर्च करें आप कहाँ पे? दुबई में डीएचए में। एटलीस्ट 15 डेज आपको यहाँ एक्सपेंड करना है, 15 डेज, ओके। 15 डेज के बाद, एक्सपेंड करने के बाद आपको फिर क्या करना है, अगर यहाँ पे वैकेंसीज वगैरह रही तो आपको, आपके पास कॉल आएगी या फिर मेल आएगा कि आप यहाँ पे आइए है ना, वैकेंसीज हैं, इंटरव्यू दीजिए। दोस्तों क्या होता है ना, आप जब आते हैं तो यहाँ पे जल्दी से कोई कॉल या फिर कोई मेल्स वगैरह आते नहीं हैं। अप टू 10 डेज तक आपको परेशान रहना पड़ेगा, आप खुद परेशान हो जाओगे दोस्तों। ये मेरी कहानी है, मेरी कहानी दोस्तों, मेरी कहानी भाई, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। मैं जब मैं आया तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे जॉब नहीं मिलने वाली 10 डेज के अंदर, बट ऊपर वाला जो गॉड है हमारा, अल्लाह जो है, वो बहुत मेहरबान होता है। मेहरबान इसलिए क्योंकि आप जो स्ट्रगल कर रहे हैं, वो गॉड ने ये बोल दिया है कि आप अपना कर्म करते रहिए, फल की चिंता ना करें, फल तो देने वाले हम हैं। तो कर्म कीजिए है ना, फल देने वाला खुदा है, अल्लाह है, ईश्वर है। तो आप यहाँ पे जॉब खोजिए, इंशाल्लाह आपको जॉब मिल जाएगी डीएचए में।
15 डेज आप देखें यहाँ पे, फिर आपको क्या दोस्तों, आप अजमान जाएं, शारजा जाएं। दोस्तों मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा कि आप अजमान और शारजा में जॉब कैसे खोजेंगे, है ना, और जितने भी कॉन्टेक्ट्स आपको चाहिए शारजा अजमान का, वो मेरे पास है दोस्तों। मैंने जहाँ जहाँ गया मैं सबका आईडी वगैरह ले चुका हूँ, फ़ोन नंबर ले चुका हूँ। तो दोस्तों आपको जॉब खोजने में बहुत ईजी रहेगा, है ना, मुझसे संपर्क करें आप। अगर आपको अगर नंबर चाहिए, कॉन्टैक्ट नंबर, तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन मतलब कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि भाई आपको मुझे नंबर चाहिए, तो दोस्तों मैं आपको नंबर दे सकता हूँ। तो दोस्तों लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि मेरे इस चैनल को दोस्तों आप लोग भाई समझ के थोड़ा सपोर्ट करें, है ना, लाइक करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप मुझे सब्सक्राइब लाइक करेंगे दोस्तों, तो मेरे दिल में एक और होगा कि हाँ, हम और नया नया वीडियो बनाए आप लोगों के लिए, सो डेट कि आप लोगों जितने भी दोस्तों नॉर्थन स्टेट से जितने भी दोस्तों फार्मासिस्ट हैं, मैं सभी से बस ये आग्रह करना चाहूँगा कि आप सभी आप लोग गल्फ कंट्रीज आएँ, है ना, आउट ऑफ इंडिया जाएँ, है ना, अगर कुछ करना चाहते हैं आप, तो दोस्तों ये आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी रहेगा। तो दोस्तों मैं अपने इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ दोस्तों। दोस्तों मेरे इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना दोस्तों और सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और दोस्तों एक और बात, कौन सा आपको वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में बताना, तो मैं वही वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा फिर नेक्स्ट डे। मेरा दोस्तों पर डे वीडियो आएगा, ठीक, पर डे मेरा वीडियो आएगा, और आपको सीरियल वाइज आपको देखना है कि जॉब कैसे पाए, DHA क्या होता है, कैसे एग्ज़ाम देना है, एलिजिबिलिटी प्रोसेस क्या है, ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, ठीक है दोस्तों, मैं फिर मिलते हैं कल दोस्तों, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों।